क्या यूपी समझ के रखे क्या मुंबई को? मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुंबई खुले सांडों का इलाका है। नमस्कार, मुंबई के मीरा रोड नया नगर में श्री राम रैली के दौरान हुए बवाल के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि मुसलमानों को उकसाना बंद करो, क्यों सोते हुए शेर को जगा रहे हो? क्या यूपी समझ रखा है? क्या मुंबई को यूपी समझ के रखे हो? फिलहाल दोस्तों, इस मामले में पुलिस उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। क्या वजह है, क्या लगता है? मैं आपके माध्यम से एक बात सबसे अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस का हम जांच कर रहे हैं, पूरे सीसीटीवी फुटेज और सब देख के जो भी इंसिडेंस हुआ है जिसमें जो भी दोषी होंगे उन पे ही कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उन पे कार्रवाई नहीं होगी, है मैं पुलिस की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी अपील है कि आप सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो ये शहर में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इतने सालों में। मेरी सबसे अपील है कि हमें शांति बनाए के रखें और सब लोग अपना अपना जो गुस्सा करना है या जो भी अपना कार्य है वो शांति से करें, सब पब्लिक को बिना डिस्टर्ब किए करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम हैंडल करेंगे। लेकिन मैं सबसे अपील है कि अननेसेसरली माहौल खराब करने का किसी ने कोशिश नहीं करना चाहिए, और जो भी इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी दोषी होगा ओनली दोषी होगा उस पर ही कार्रवाई होगी, निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैन पावर तो टोटल अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन पूरे के पूरे अफसर हमारे सब लोग रस्ते पे ही है। रात का जो इंसिडेंस है जो क्राइम ऑफिस जो पता चला है उससे कुछ रैली में कुछ लोग रैली में नया नगर में आए थे, उसमें से कुछ अल्टरकेशन हो गया, उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा खड़ा हो गया था, लेकिन पुलिस ने टाइमली एक्शन लिया तो अभी मामला करीबन हमने सेटल कर लिया है। लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे मिसक्रियंट्स रहते हैं वो इधर उधर अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो मेरी आपसे सबसे अपील है, स्पेशली सब मीडिया से मेरी अपील है कि आप लोग भी ख्याल रखिए और शहर का शांति ऐसे बना के रखेंगे, इसके लिए सबने कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे। सर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे झूठे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, इस तरीके के वीडियो वालों पर कोई कार्रवाई? हम ऑलरेडी हमारे साइबर डिपार्टमेंट जितना हो सके उतने वीडियो जितने भी डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे मोबाइल से हर एक पे कंट्रोल रखना मुश्किल है। फिर भी अगर उसमें कोई इंस्टिगेटिव वीडियो रहेंगे हम आईटीआर की तरफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर। मुंबई में आज की सभी ताजा खबरें से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।